हेलो, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल वे कोचिंग प्लस। इन दिस वीडियो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट 44 टेस्ट वीडियो नंबर 31 वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सिंपल। लेट अस स्टार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सिंपल की पहचान होगी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है। कार्य का भविष्य काल में एक समय तक जारी रहना पाया जाता है, जैसे लड़के 2 दिन तक गेंद खेलते रहेंगे, हम सोमवार तक आपका इंतजार करते रहेंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। अब देखें इन्हें बनाने के रूल्स क्या हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा आई या बी है तो सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। आई वी के अतिरिक्त इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट है, अन्य कर्ता है, तो उसके साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। सिंस और फॉर का रूल पहले बताए गए नियमानुसार ही रहेगा। यदि समय हमारा निश्चित है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसमें किसी दिन का नाम, महीने का नाम या बजे दिए हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह, शाम, दोपहर आदि दिया हो तो सिंस का यूज करते हैं सेकी इंग्लिश के लिए। फॉर यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फॉर का यूज होता है। ऐसे दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, घंटों की संख्या दे रखी हो तो वहां फॉर लगाते हैं। देखें फार्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बिल या सेल से एक आएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई या बी है तब तो सेल आएगा, अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल आएगा, और बिल या सेल के जस्ट बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से एक आएगा, फिर लास्ट में टाइम आता है। देखें एग्जांपल, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा होगा। इस सेंटेंस में समय दिया है 2 घंटे और लास्ट में आया रहा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ सिंपल। देखें सब्जेक्ट है श्याम, सब्जेक्ट सूत्र के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, यानी कि श्याम की इंग्लिश हो गई। श्याम के साथ बिल आएगा क्योंकि सेल केवल आई और वी के साथ आता है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बिल ही आता है, तो श्याम के साथ आ गया बिल। हैव बीन सभी के साथ आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें वर्ब है प्ले, आईएनजी लगी, हो गया प्लेइंग द वॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। श्याम बिल हैव बीन प्लेइंग द वॉल फॉर 2 आवर्स। देखें कुछ और एग्जाम्पल्स, हम 2 दिन तक भगवान की पूजा करते रहेंगे। सब्जेक्ट है बी के साथ आएगा सेल हैव बीन, बी सेल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डे, 2 दिनों तक। नेक्स्ट देखें, लड़के सोमवार से गेंद खेल रहे होंगे, तो द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग द बॉल सिंस मंडे। यहाँ पे दिन का नाम दिया इसलिए सिंस आएगा। वे 4 दिन से स्कूल जा रहे होंगे, दे सब्जेक्ट हो गया, बे यानी कि दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। मैं 10 साल से आगरा में रह रहा हूंगा, सब्जेक्ट हो गया आई और आई के साथ आएगा सेल, आई सेल हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 ईयर्स। वह 2016 से इस मकान में रह रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016। इसमें क्या है, एक सनदि है, फिक्स समय है, इसलिए सिंस का यूज होगा। हम मंगलवार से किताब पढ़ रहे होंगे, तो हम की इंग्लिश हो गई बी, बी के साथ आता सेल, हैव बीन सभी के साथ आता है, तो बी सेल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी, रीड में आईएनजी लगी, हो गया रीडिंग। बी सेल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस ट्यूजडे, यहाँ पे नेम ऑफ डे दिया है इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। हम सुबह से गेंद खेल रहे होंगे, बी सेल हैव बीन प्लेइंग द बॉल सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग है इसलिए यहाँ सिंस का यूज होगा और बी के साथ सेल आता है। वह 3 दिन तक गाना गाती रहेगी, सी विल हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 3 डेज, वह 3 दिन तक गाना गाती रहेगी। हमारी टेंस की अन्य वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।